2016 में एक और दमदार क्वेश्चन जो एक मार्क्स का आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप इसमें भी 100% गलती करोगे। क्या गलती करोगे देखो बताता हूं, ठीक है? क्वेश्चन को समझेंगे पहले क्या क्या आ रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है मतलब टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास, टोटल कार्ड्स 52, ठीक है? अब ध्यान से देखना फेवरेबल केस कितने होंगे, यहां पे देखना आप क्या गलती करोगे वो बताता हूं मैं। फेवरेबल केस कितने होंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर और रेड कार्ड नोर अ क्वीन, मतलब हमें कार्ड निकालना है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ना तो रेड कार्ड हो और ना ही क्वीन हो। आई बात समझ में? गलती आप क्या करोगे इसमें, कई लोग कैसे करवाते हैं कि इसको नीदर की जगह इधर मान लो और फिर आंसर निकाल दो और उसको वन में से माइनस कर दो, लेंथी प्रोसेस है। इससे बढ़िया सीधा यहीं पे दिमाग लगाओ ना यार, क्यों इतना लेंथी कर रहे हो? गलती कहां होगी वो बता रहा हूं कि क्या लिखा आपने कि नीदर और नाइदर रेड कार्ड नो रखें। आप लोग क्या करोगे भाई, रेड कार्ड कितने होते हैं 26 और क्वीन कितनी होती है 4, तो आप कितने लिख दोगे 30, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है देखना ध्यान से भाई, ये जो 26 कार्ड है तो दो क्वीन इसमें भी तो निकल गई भाई, दो क्वीन इसमें भी तो होगी, तो अल्टीमेट फेवरेबल केस कितने होंगे 26 + 2 मतलब 30 और 28, ठीक है? कितने होंगे अल्टीमेट हमारे केस 28, ठीक है? ये हमारा है। लेकिन हमें ये भी नहीं लेना है। सर क्या बात कर रहे हो सर, उलझा रहे हो, परेशान कर रहे हो? अरे नहीं भाई ध्यान से समझो, ये तो इधर के केस है, आने के ना आने के केस क्या होंगे, तो ना आने के केस क्या करेंगे हम 52 - 28, तो 52 में से 28 को माइनस करेंगे, तो यहां पे करेंगे 52 में से 28 30 और 40 50 24 बचेगा, कितने बचेगा 24, तो अल्टीमेट फेवरेबल केस कितना होगा हमारे पास 24। आई बात समझ में कैसे किया मैंने, क्लियर अच्छे से एक एक स्टेप। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहां पे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी फेवरेबल केस कितने हुए ये, और टोटल केस कितने हैं 52, 4 से कट जाएगा तो ये 4 से कटेगा तो 6 और 4 से कटेगा तो ये 13, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? वहां पे देखो कैसे है? बाकी लोग कैसे करेंगे, ये इधर का केस है, इधर का तो क्या मान लेंगे 28 / 52, तो ये काट देंगे दोनों को, तो ये किससे कट जाएगा 7 + 28 और 13 और फिर इसको 1 - 7/13 कर देंगे, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा वही आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया 6/13। तो अननेसेसरी इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करना यार, यहीं पे करो ना, वहीं पे अच्छे से एडजस्ट कर लो, यहाँ पे एडजस्ट कर लो, क्यों इधर वो मान के ऐसे कर रहे हो, लेंथी कर रहे हो? अल्टीमेट तो 2 स्टेप ज्यादा हो रहे हैं ना, इतना टाइम कहाँ रहता है, हमें तो एक ही स्टेप में करना है। तो यही इसका आंसर है, यही एक तरीका है, समझ आया अच्छे से समझ रहे, वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा नहीं हो सकता कि ना समझ में आए। बोर्ड का आया हुआ एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एक नंबर के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लेना। मैंने पहले भी बोला था कि एक एक नंबर से ही हमारे 80 नंबर बनते हैं, ठीक है? छोटे छोटे टास्क ही हमें पूरे उसकी ओर ले जाते हैं भाई, एमसीक्यू भी आपके 20 नंबर जा रहे हैं। आई बात समझे, 20 नंबर का मतलब समझे, 4% मार्क वेटेज कैरीज कर रहे हैं आपके परसेंटेज में, 4% सिर्फ एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू कवर कर रहा है, यानी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अच्छे से समझो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्रोबेबिलिटी के मैंने अब तक 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछना, पर पूछना जरूर, बहुत प्यारे क्वेश्चन है वो, प्रीवियस ईयर मैंने सारे कवर किया और सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, उनको अगर देख लिया आपने तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत हो, ऐसा संभव ही नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैंने कवर किए, ठीक है? वीडियो को जाओ चैनल पे जाके देखो और इसको भी लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय।